हम इस वक्त मौजूद है खयाम पेट्रोल पंप पर। आपको बताते चले कि कल से ही लोगों में हमें जो है पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिली। लोग काफी ज्यादा परेशान है पेट्रोल की वजह से। आपको बताते चले कि डिफरेंट स्टेट्स में जो है ड्राइवर्स स्ट्राइक पे है और IPC जो है उसको थोड़ा सा रिप्लेस किया गया है। आपको बताते चले कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है कि जिस किसी भी ड्राइवर को जो है सड़क हादसा हो जाएगा, संजीदा सड़क हादसा होगा, और उसके बाद जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगा या एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म नहीं करेगा, उसके खिलाफ 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना जो है वो किया जाएगा। इसी हिसाब में फिर ड्राइवर्स ने जो है मुख्तलिफ स्टेट्स में जो है वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट किए, रोड्स ब्लॉक किए, जिसका असर हमें जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी थोड़ा सा वो आपको अंदर की तरफ लेकर दिखाएगी कैसे यहाँ पर लोग जो है लंबी लंबी लाइन यहाँ पर लोगों की है और कैसे वो जो है वो पेट्रोल ले रहे हैं। आपको बताते चले कहीं ना कहीं लोगों में खदशा है कि शायद जो है आने वाले दिनों में हमें, वैसे तो उन्होंने कहा है कि कल यानी 1st से लेकर 3rd तक की स्ट्राइक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में खदशा है कि शायद मतलब ये स्ट्राइक बढ़ेगी या पेट्रोल की शॉर्टेज हमें देखने को मिलेगी। आप बिल्कुल लाइव मनाजर देख रहे हैं श्रीनगर के पेट्रोल पंप से, खयाम पेट्रोल पंप से, जहां आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी लंबी लाइनें हैं और पेट्रोल कैसे वो पेट्रोल के लिए वेट कर रहे हैं। आपको बताने चले कि कल से ही श्रीनगर के पेट्रोल पंप जो है काफी ज्यादा पेट्रोल पंप जो हमें बंद भी देखने को मिले, लेकिन अभी हम मौजूद है खयाम के पेट्रोल पंप पर, जहां आपको बताते चले कि यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक अवेलेबल है और लोग जो है काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। कल से ही जो है कल से हमें पेट्रोल पंप्स पे जो है काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली और आज भी आप देखिए आज स्ट्राइक का 2nd डे है और आज भी आप देखिए कि कैसे लोग जो है यहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए जो है वो आ रहे हैं। एक बार नाज़रीन जो आप हमारा लाइव ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए फिर से बता दें कि हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के पेट्रोल पंप पे। आपको बताते चले कि थोड़ा सा जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि IPC यानी इंडियन पैनल कोड को थोड़ा सा जो है वो रिप्लेस किया गया। आपको बता दें कि ड्राइवर जो कि एक्सीडेंट में मुलविस होंगे, अब ये फैसला लिया गया है कि अगर कोई भी ड्राइवर संजीदा सड़क हादसे में मुलविस होगा उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगा या एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले इस सब में जो है ड्राइवर्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और अभी भी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ स्टेटों में, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ वगैरह में जो है ड्राइवर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां पर उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इस सब में थोड़ी सी जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए क्योंकि विंटर्स भी है, फॉग होता है कभी। ये ज़रूरी नहीं है कि अब हमारी ही गलती हो, एक्सीडेंट किसी भी वजह से हो सकता है। तो इस सब में ड्राइवर्स का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और पेट्रोल स्ट्राइक की वजह से जो है हमें पेट्रोल शॉर्टेज जो है वो देखने को मिली, जिसका असर जो है हमें जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा लोगों का जो है रश इधर है। थोड़ा सा कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कि आप थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर जाए और देखिए कि कितना ही ज्यादा लोगों का जो है यहाँ पर भीड़ भाड़ है, रश कितना ज्यादा है लोगों का यहाँ पे। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तामिल इरशाद के लिए कैमरा पर्सन आर के मुगल के साथ महबूब।